hear me? Yeah, please. Okay. Hello, everyone. Nice to be in touch, even though through a lot of physical distancing. I'll take this forward from what Govind and Annie had just said. And I would like to say that I think that, you know, what we are seeing right now, not just in our country, but also elsewhere, is that any situation like this, any emergency like this, how it tends to actually impose on basic rights. और डर ये होता है कि ऐसी आपातकालीन जो जब दशा होती है तो जो हमारे बिल्कुल मूल अधिकार हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उन सब पर भी एक तरह से उनको भी थोड़ा हाशिए पे रख दिया जाता है. हम देख रहे हैं, अपने ही देश में देख रहे हैं कि बोलना, सोचना, सवाल पूछना क्या, पर जो लोग राइट्स के लिए काम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना. और इस तरह से अभी सेंट्रलाइजेशन, सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसी सेंट्रलाइज हो जाएगी, जबकि काम धरातल पे हो रहा है और स्टेट्स डील करने की कोशिश कर रही हैं. तो इस तरह की एक आपातकालीन जो सिचुएशन है उससे भी कैसे डील करना है, और हम जो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से कुछ चीजों को रिजिस्ट भी करें. सबसे पहले तो जैसे अभी बात भी हुई थी कि ये है क्या, ये सिचुएशन है क्या, ये कोविड है क्या. हम में से कितने लोग इसी ग्रुप में, आज शायद अभी हम 400 लोग यहाँ हैं, कितने लोग हम लोग इस वायरस को, या कैसे ये फैल रहा है, क्यों हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है इससे, कैसे हम इससे, लॉकडाउन लॉकडाउन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है, क्यों बच्चों के स्कूल सबसे पहले बंद किए जाते हैं उन देशों में भी जहां के, जैसे ईस्ट एशिया के देश, जहां वो जानते हैं उन्होंने सार्स से डील किया है और वो जानते हैं कि इस तरह का एक कोरोना वायरस क्या कर सकता है. उन्होंने भी कैसे, कई देशों ने पहले स्कूल बंद किए, पहले खोल भी दिए, फिर अब सिंगापुर जैसे देश ने फिर एक महीने के लिए बंद किए. तो इन सब चीजों की समझ भी एक बनती जा रही है, और हम जैसे फोरम को इन सब बातों की समझ भी थोड़ी और अपने आपस में पुख्ता करनी होगी, क्योंकि ये भी फिर इस समझ के आधार पे तय होती है कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि स्कूल बंद हो नहीं हो, कैसे खोले जाएं, कौन से बच्चे आए कौन से नहीं आए. और हमने ये पाया, क्योंकि मेरा काम जो जनविज्ञान में भी है या शिक्षा में है, मैंने ये पाया कि, और अभी हाल ही में एक लेख भी लिखा था, कि जो इन्फोडेमिक, ये पैंडेमिक के साथ जो एक इन्फोडेमिक फैलता है, उसमें बल्कि गलत जानकारी जो है वो ज्यादा जल्दी फैलती है. और इस पे भी लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, ये क्यों जल्दी फैलता है. और उसका वैक्सीनेशन भी अगर करना हो, कि वो जो इन्फोडेमिक है, जो एक घातक भी हो सकता है, आप शिक्षा जो है वो एक ऐसा टूल है जो उसके लिए एक इम्यूनाइजेशन भी है, मतलब ताकि गलत जानकारी ना फैले, जिसके आधार से पब्लिक हेल्थ में लोगों ने पाया है कि लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, अपने ही स्वास्थ्य के बारे में गलत रिस्क ले लेते हैं. और वो गलत रिस्क से बचने के लिए कैसे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, और वो एक वैक्सीनेशन का काम करता है, कि जब हम सही ढंग से एक बातचीत, एक सही ढंग से उसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस, चिंतन, मनन, और क्या क्या समझ बन रही है, क्योंकि लोग भी एक ऑनगोइंग समझ से डील नहीं करते, लोग अनसर्टनिटीज के साथ डील नहीं कर सकते, इसलिए जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आती है, जो बहुत सर्टेनिटी के साथ आती है, लोग उसमें क्यों झट से उसको क्यों एकदम अपना लेते हैं. तो मुझे लगता है हम लोग जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो इस समझ को भी आपस में बढ़ाएं, और ये देखें कि हाँ, ऐसा कोरोना वायरस जो लोग काम कर रहे हैं, हर रोज हम साइंटिस्ट के भी लेख पढ़ रहे हैं, जो लोग इस पे 20 साल से काम कर रहे थे, 17 साल से काम कर रहे थे, 2003 के सार्स में सबसे आगे आके काम किया, आज वो भी कैसे इसको समझ रहे हैं, कि ये वाकई ही बहुत
इन्फेक्शस है, बहुत जल्दी फैलता है, क्यों हमारे सिस्टम में घर कर लेता है और क्यों हम बहुत आसानी से दूसरे को दे सकते हैं। और जब ये भी पाया गया कि बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्ट नहीं होते हैं, मगर बच्चे कैरियर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एक से दूसरे तक फैलाते हैं। बहुत सिंपल ये समझ भी है, क्योंकि वो फिजिकल डिस्टेंस नहीं समझ सकते, और अगर अगर बच्चे किसी अपने बूढ़े व्यक्ति से या वयस्क व्यक्ति से आके जब लिपटते हैं तो उनको दूर रखना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ काम करना और खासकर स्कूलों को बंद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी हम अभी से सुन रहे थे, अपने यहाँ भी हमारे लास्ट छोटी सी मीटिंग में भी लोगों ने कहा कि जल्दी स्कूल शुरू किए जाएं, और मुझे लगा कि उसकी समझ हम में भी शायद नहीं है कि स्कूल कब शुरू किए जाएं, किस तरह से और किए जाएं या नहीं किए जाएं। दूसरी तरफ वो खतरा है ही जो जिसकी पहले भी बात हुई है कि जैसे ही बात होती है कि एजुकेशन खतरे में है तो चलिए जी ऑनलाइन कीजिए। मुझे दिल्ली के टीचर्स बता रहे थे और बहुत चिंतित थे दैट दिल्ली एजुकेशन हैज दिल्ली गवर्नमेंट हैड इमीडिएटली डिसाइडेड टू हैव ऑनलाइन क्लासेस इवन दो अ सर्वे हैज फाउंड दैट नॉट मोर देन 20% अटेंडेंस इज देयर। They might have phones, but their parents might be using them. They may not have data. They may not have charge, as has been discussed. But also, what does it mean? What does it mean? हम adults तो शायद अपना mute करके सब एक दूसरे को सुन सकते हैं, पर बच्चों को ऐसे बिठाना, वो one way जो एक education है, उसका कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं हाल ही में teachers की दास्तान पढ़ रही थी, जो teachers write कर रहे हैं अमेरिका में या स्वीडन में, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उनको कहा गया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सीमित है, और हमारे जैसे देश के लिए वो केवल प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो इस पे जोर दे रहे हैं, यहां तक दैट इवन वन ऑफ आर चैनल्स, आर टीवी चैनल्स दिस वीक डिड अ लार्ज प्रोग्राम ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। And who did they call? Khan Academy founder, Baiju founder, edX founder, the major जो दुनिया में जो सबसे founders हैं in globalized multinational service providers के, उनको बुलाया गया। क्योंकि ऐसी जब आपातकालीन स्थिति सामने आती है तो वैश्वीकरण के लिए भी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है कि हाँ, जो large कंपनियां हैं, जो globalized multinational companies हैं, वो ही हमें बता सकती हैं कि हमें क्या करना है और एजुकेशन को आगे कैसे ले जाना है। सो आई वाज क्वाइट स्ट्रक कि जैसे हम देख रहे हैं कि इस पूरे कोविड के नाम पे अब क्या हो रहा है, और कोविड के नाम पे ही अभी तक 6 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगे नहीं बढ़ी थी। अब जाके इस हफ्ते एक ड्राफ्ट सुना है, और मैंने मांगा भी है पर अभी तक वो ड्राफ्ट मिला नहीं है, कि उस ड्राफ्ट को फाइनल किया गया है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें जो दरअसल काफी समय और जिस पे डिबेट होना चाहिए, कैबिनेट डिस्कशन होना चाहिए, चाहे वो नया पार्लियामेंट बनाना हो या नया सेंट्रल विस्टा बनाना हो या नई पॉलिसी बनानी हो, ये सब चीजें पास होती हैं, ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये भी हमें समझने में मदद करता है कि क्यों एक इमरजेंसी जो है उससे हमें और कैसे अपनी रेजिस्टेंस बना के रखनी है, अपना सचेत, हमें सचेत रहना है, क्योंकि उसमें डिस्कशन और लोगों की पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगी। पहले ही जो हम अगर आवाज जो है हमारी है, अगर हम नहीं पहुंचती, हाँ एक चीज मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें RSA राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, जिसके अगेंस्ट हम सबने बहुत जोर से बोला था और मुझे सबसे ज्यादा उससे आपत्ति थी उस पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो कह दिया गया है कि वो नहीं होगा। पर ये एक रेजिस्टेंस का, एक शायद हमारे सबके रेजिस्टेंस का देश भर में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको रेजिस्ट किया, ये एक छोटी सी चीज है कि सबने कहा कि आप इसको सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, एजुकेशन अभी भी फेडरल और ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लेवल पे तय होगा, पॉलिसीज तय होगी।
और हमें भी आरटीईएफ में हम बार बार अपने आप को याद कराते हैं कि हमें भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एजुकेशन को लेकर बहुत बहुत अपना तालमेल बनाना है और अपनी बातचीत रखनी है। जैसे कि लैंग्वेज को लेके कई स्टेट्स ने किया है, जैसे कि सडनली इंग्लिश मीडियम तय हो गया तो उसके लिए भी लोगों ने रेजिस्ट किया। तो ये सब चीजें हमें जारी रखनी पड़ेंगी, अपने आरटीई फोरम की समझ, आरटीई की समझ लेकर हम सबकी एक कलेक्टिव सॉलिडारिटी और कलेक्टिव समझ हमें जारी रखनी पड़ेगी। पर एक चीज जो बात सामने भी आई है कि प्राइवेटाइजेशन, जो कि पब्लिक सिस्टम में भी, अगर अभी एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी चीजें ऑनलाइन हो, टीचर्स पढ़ाएं, पर मैथमेटिक्स खान अकेडमी पढ़ाएगी, मैथमेटिक्स की क्लासेस खान अकेडमी लेगी, और मैथ्स के टीचर्स मुझे फोन कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि ये तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसके काबिल नहीं है, बाकी सब पढ़ा लें, मैथमेटिक्स जो है वो खान अकेडमी पढ़ाए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अभी खान अकेडमी क्या कर रही है तुरंत मैंने नहीं देखा, पर मैंने एनसीईआरटी की किताबों पर खान अकेडमी ने जिस तरह के लेसन्स बनाए थे उनको देखकर मैं वाकई ही हैरान थी, क्योंकि एनसीईआरटी की प्राइमरी में अगर हमने मैथ्स क्लासेस में वी हैड मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स, व्हाट डज मैथ्स फॉर सोशल जस्टिस मीन, व्हाट डज इनइक्विटी मीन, हाउ डू वी एड्रेस दिस थ्रू आवर लेसन्स, थ्रू द वे वी कंडक्ट, थ्रू द वे वी ट्रांजैक्ट mathematics in a classroom, but Khan Academy obviously cut out everything. For them, it was just decimals, or for them, it was just the basic operation. Koi context, na bachche ka context, na usne seekhne ka context, everything was completely out. So I think we have to also remember, jitna globalized, jitna centralized, jitna technology-based ye education hum hone denge, और मैं जान के कह रही हूँ होने देंगे, क्योंकि हम कैसे रिजिस्ट करेंगे वो हमारा चैलेंज है, उतना ही हम पाएंगे कि इश्यूज ऑफ इक्विटी और ये सारी चीजें बिल्कुल दबाई जाएंगी। बल्कि एज वी नो चिल्ड्रन, आई मीन द फर्स्ट थिंग विल बी व्हेन एंड इफ आवर स्कूल्स विल रीओपन, व्हाट हैपेंस टू आवर चिल्ड्रन। अभी कहा गया कि वी माइट हैव 20% of the children may not come, they may have left, so what do we do in that? Not only that, once children come, are they going to be hungry? Do their parents have jobs? In what conditions are they coming? That will be, so the questions of inequity and justice will become even more sharp and underscored and marked for us. Jo humne kaam kiya hai abhi tak, अगर हमने कहा है कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो जाए या बच्चे पार्टिसिपेट करें, वो एक बहुत छोटी विंडो हो जाएगी हमारे लिए, और बहुत सवाल उठेंगे टू मेक श्योर दैट दे कम। ऑल्सो विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई मीन व्हाट वाज शॉकिंग अबाउट दैट दिस द ड्राफ्ट्स वर दैट इट वाज क्लियरली पुशिंग फॉर अ मार्केट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। साफ लिखा हुआ था कि हमको आरटी तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, इसलिए हमको हर एक को अलाउ करना चाहिए कि स्कूल खोल दें, और हर एक को अलाउ करना चाहिए कि सब तरह के मॉड्यूलर तरीके हो, सब तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम्स बने, और ओपन नेशनल ओपन स्कूल को भी क्लास 3 और क्लास 5 के एग्जाम्स लेने देने चाहिए। तो बहुत स्पष्ट है कि आरटी के खिलाफ अगर इतना बड़ा कदम लेने के लिए वो एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह से ये एजुकेशन को करना चाह रहे हैं। और प्राइमरी लेवल पे तो बच्चों को ही ट्यूटर्स बनाना चाह रहे थे, कह रहे थे टीचर्स नहीं होंगे, बच्चों को चुन लो, उनको कहो कि हफ्ते में 5 घंटे वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएं, ये एक नेशनल पॉलिसी कह रही है। सो आई थिंक दैट इफ वी नो वेयर वी आर हेडिंग, वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज emergency situations allow for very, very drastic measures, and they assume that the voice against it, the voices for rights, will be quietly, will be kept quiet and will be kept sort of closed, in closed rooms, so that people cannot come out and assess. So I think ke ye jo ki technologies ka use hai,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमको ये भी कह रही है कि सारी असेसमेंट्स, और ये कह रही थी कि कुछ ही महीनों में या एक साल में प्राइमरी असेसमेंट्स भी सब अडैप्टिव असेसमेंट्स हो जाएंगी। हमें प्लीज पढ़ के देखना चाहिए कि अडैप्टिव असेसमेंट्स, एल्गोरिथमिक असेसमेंट्स कितनी खतरनाक हैं, कितने रिग्रेसिव हैं। उससे क्या होता है जब एल्गोरिथमिक असेसमेंट होता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों में बैंगलोर के कुछ स्टार्टअप्स के साथ एक सेमिनार में मिली थी, नीति आयोग बहुत पुश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इसी छोटे से सेमिनार में मैंने देखा कि कैसे ये स्टार्टअप्स जो है बहुत खुश होके कह रहे हैं वी आर डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं और टेस्टिंग करके उनको बता भी रहे, कस्टमाइज कर रहे हैं हर बच्चे के लिए। सो ये जो कस्टमाइज्ड ऐसे शब्द है, इससे बच के रहें, क्योंकि एजुकेशन व्हेन इट्स कस्टमाइज्ड इट इज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड डेंजरस। आई एम यूजिंग द वर्ड डेंजरस बिकॉज इट इज वेरी रिग्रेसिव, क्योंकि वो जो एल्गोरिदम्स किसको सही मानते हैं, किसको गलत आंसर मानते हैं, और उसके आधार पे वो कस्टमाइज कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट लेसन क्या मिलेगा। ये वो ही अपने में हमें वी हैव टू बी मच मोर अवेयर हाउ वी आर गोइंग टू बी टेकिंग दैट चैलेंज, हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एंड ऑल्सो रिजिस्ट दैट। The next issue that comes to my mind under an emergency is not just what is going to happen about teachers, because I think understanding and the immunization, which I said even in terms of how to deal with an infodemic, ये वायरस क्या होता है और ये किस तरह से हमें अपने बच्चों से इसकी बातें करनी है, और उसके साथ इसकी बात भी करनी है कि लॉकडाउन में क्या हो गया या लोगों की लोगों को खाना क्यों नहीं मिल रहा। इसमें हम कम से कम जो भी संस्थाएं टीचर्स के साथ काम कर रही हैं, हम कैसे इसको आगे ले जाएं? बिकॉज अभी जैसे बात उठी, आई थिंक एम्पथी एट वन लेवल एज एनी सेड विद टीचर विद पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर अस इन द एजुकेशन सिस्टम विद टीचर्स इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म, अ वेरी लॉन्ग टर्म चैलेंज। So what is it that we are doing that our teachers, because right now we know, even colonies mein we know, kaise slums ke bachchon ko deal kiya ja raha hai, kaise police unke peeche aa rahi hai, kaise unko kaha ja raha hai, kuch samajhte nahi hai, to social distancing, ye to park mein ghoom rahe hai. I mean, even the middle class, the way it's looking at children and saying, ye vele hai aur ye phaila rahe hai. These are the spreaders, these are the super spreaders, the slum people. So what is it? How do we understand and how do we work with teachers? Not just about this, but also about Arogya Setu. आपको मालूम है कि अभी जिस दिन दिया जलाओ का पूरा की घटना हुई, उस दिन कैसे हर स्कूल को और हर पेरेंट को कहा गया कि आप आरोग्य सेतु डाउनलोड करिए, और एक फॉर्म भी भेजा गया, और प्रोग्रेसिव स्कूल्स जिनको हम प्रोग्रेसिव मानते हैं, सरदार पटेल विद्यालय ने भी अपने टीचर्स को कहा कि हर बच्चे से ये फॉर्म भरवाओ कि उन्होंने कितने लोगों ने कितनी कैंडल्स जलाई। सो वी नो, एंड आफ्टर आई रोट दिस पीस, माय स्टूडेंट्स, माय एमएड स्टूडेंट्स जो अभी हाई स्कूल साइंस पढ़ा रहे, दे केम बैक टू मी एंड दे टोल्ड मी दैट क्लास 9 स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स आर हैव टोल्ड देम आफ्टर रीडिंग दीज थिंग्स that उन्होंने थाली बहुत जोर जोर से बजाई थी ताकि वायरस मर जाए। Now this is not funny. This is really worrying that on the one hand, the kind of understanding and fear and phobias and xenophobia and all kinds of superstitious understandings are growing. On the other, schools are telling parents to send a form. Sardar Patel Vidyalaya is asking parents, please tell us how many children, how many people in your house lighted candles. So what are the dangers? Abhi tak the legal experts are saying that Arogya Setu is problematic. It is not clear on privacy protection. It is not clear on limited purpose, ke ye kis purpose ke liye hai, aur bas iske baad sara data destruct kiya jayega. Hame malum hai ki privacy, हमारे ही 9 जज बेंच ने कहा है कि प्राइवेसी इज बेसिक, अ बेसिक राइट लाइक अ राइट टू लाइफ। हम क्या समझते हैं ये? हम प्राइवेसी को समझते हैं क्या? हम लोग 400 लोग केयरफुल हैं कि हम कैसे
सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, हमने अपनी प्रोटेक्शंस इंश्योर की हैं कि नहीं की हैं। तो इन सब सवालों पे मुझे लगता है हमें खुद भी और टीचर्स के साथ भी ये बात आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज का यूज सर्वेलेंस के लिए अब बहुत ज्यादा होने वाला है। हम जानते हैं कि और कंट्रीज जैसे इसराइल ने सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के नाम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हर सिटीजन की कलेक्ट कर ली है, और कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि वो कितनी देर के लिए कलेक्ट की है। तो ये सब चीजें एजुकेशन का ही हिस्सा है, राइट्स का हिस्सा है, एंड आई वुड लाइक टू क्लोज इट हियर टू से दैट आई थिंक that some of these larger issues, whether it's globalization, whether it's centralization, whether it's brazen privatization and all outsourcing, completely public education ko outsource kar diya ki hamare Delhi government ke maths teachers nahi Khan Academy padhayegi, Bridge Academy kya kar rahi hai ya aur log kya kar rahe hain. So surveillance technologies, assessments, international assessments, adaptive assessments, and completely pushing out of our arena issues about inequality, issues about oppression, issues about justice are some of the immediate dangers. And I think that we should keep our forums alive on these issues and keep, we know what happened just before this, we know the riots, we know the Citizenship Act, but I think right now, with which is all very basic to right to education, I think we should take these issues from here. Thank you. Thank you, Anita ji. Thank you for this deliberation. Anita ji का जो बहुत सारे issues आपने pick up किए, और मैं समझता हूँ कि right to education is a right of children and we achieved after a long struggle. तो इसको कैसे, और हम धीरे-धीरे एक नई policy की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और ये policy अब कहा जा रहा है कि एक नई फाइनल पॉलिसी आ रही है. सो वी आर जस्ट थिंकिंग दैट द ये प्रिपेयरिंग अप ए न्यू पॉलिसी स्टार्टेड इन 2015, और 2015 से ये 20 आ गया, 5 साल हो गए. 5 साल में कई पॉलिसी के ड्राफ्ट आ गए, और हर ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. तो आई डोंट थिंक दैट गवर्नमेंट इज का कोई इंटेंशन है कि कोई इस तरह की पॉलिसी लाए. और हम पहले भी कह रहे थे कि जब हमारे पास एक्ट है तो एक्ट को मजबूत करने का और इसको एक्सटेंड करके, इसको जो पॉलिसी ने रिकमेंड भी किया है अभी कि 18 साल तक के बच्चों को हम राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाएंगे, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि कैसे हम फाइनेंशियली रिसोर्स, कैसे हम पब्लिक रिसोर्सेज कैसे हम एलोकेट करें और आरटी एक्ट को पूरी तरह लागू करें, और इस आरटी एक्ट के दायरे को बढ़ा के सेकेंडरी एजुकेशन को उसमें शामिल करें, और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं उन सब को कैसे यूनिवर्सल एक्सेस दें क्वालिटी एजुकेशन का. ये जो बड़ा काम था, और ये काम हुआ नहीं 10 सालों के अंदर. नाउ दे आर यूजिंग दिस कोरोना प्रकरण, कोरोना इज ए रियल प्रॉब्लम, बट इसके कारण बच्चों के राइट टू एजुकेशन जो हमने अभी तक अचीव किया है वो खत्म नहीं होने चाहिए. ये हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस, वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी जो है इट शुड नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर्स, स्कूल एंड एवरीथिंग, कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए. ये एक बड़ी लड़ाई है शिक्षा में कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करें लेकिन टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट का साधन न बनाए. अभी वही हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और वो लोग धीरे धीरे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सृजिता, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, एक इशू और भी उठाना चाहता हूँ कि ये जो है अभी बहुत सारी ऐसी भी कोशिशें हो रही है जिसमें कि कास्ट बायसनेस क्रिएट किया जाए, रिलीजियस हेट्रेड क्रिएट किया जाए सोसाइटी के अंदर, जबकि एक हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सब जो प्रयास चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो भी एक बहुत खतरनाक है, और हम एजुकेशन एक्टिविस्ट को उसके बारे में भी जागरूक रहने की जरूरत है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सृजिता टू टेक अप द क्वेश्चंस व्हिच इज ऑलरेडी हैव कम इन द चैट बॉक्स,
और हम अपने पैनलिस्ट से दरखास्त करेंगे कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। तो ओवर टू द सृजिता, और जिनको भी क्वेश्चन पूछने हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स में, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू जस्ट ओपन डिस्कशन, 400 पीपल हैव ज्वाइंड दिस कन्वर्सेशन, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उसको आप प्लीज राइट कीजिए, लिखिए चैट बॉक्स में, एंड सृजिता विल टेक अप एंड पैनलिस्ट दे कैन एक्सेस फ्रॉम चैट बॉक्स योर क्वेश्चंस एंड दे विल गिव द आंसर। ओके सृजिता। Yes, hello everyone. Thank you for posting all your questions. We have I think more than 50 questions. So I have tried to sort of summarize the questions. And so one reflection which has come out, and a lot of people are sharing the same view. One is, instead of using the term social distancing, we can use the term physical distancing and social unity. Because a number of people have commented that physical distancing can be used as an excuse to reinforce casteism in schools after the lockdown. So there is one specific question for Professor Govinda, if he could address it. Seema from Care India, Seema Rajput from Care India, she is asking, what are the key steps the government must take post-COVID to ensure that children don't drop out of schools? Professor Govinda, if you could please respond. Yeah, thank you, Srijita. You know, I have noted down the chat box that had come, 2-3 questions that have come, very important. One is, many people are asking, these are all the issues that you people have raised, what is the solution? I just want to say one thing. India is too vast. There is no one standard solution. We make a serious mistake if we think that we are one nation and there is one solution for the country. I for instance, you know, pardon me for saying this, I just still don't understand on March 24th, why in a remote village children were told that you stay at home, don't go to school. I don't understand. Was it necessary at that point of time? I think decision making as an all India basis in education would be a serious, serious mistake. If you want to revive education, I think it has to be done. Lot of local thinking should happen. Local adjustments have to happen. Then I think we'll be getting back to our schooling. But if you think that in all India basis we do, like we closed on 24th, I don't understand at all in a Madhya Pradesh tribal village, if children were in the school, they were all told that now and why it should have been done. So I think my suggestion is that therefore we need to carve out solution locally. There is no one standard solution for this. When we want to rebuild the education after 6 to 8 months and get back on track, how to really go about doing it. This is one point. Second, I think one thing that is coming out clearly, some people have suggested also in the chat box, is that I think we need to engage community and school closer. I think in the urban areas, for the first time, private schools are realizing how parents and then teachers have to sit together and talk. I think otherwise, very rarely it used to happen. Now, online learning is that the children sit with the parents, many small children, and therefore they are realizing this. It's very important that community and school comes closer when we reopen, not away like this. Then I think we can understand how to really bring children back, and what is the kind of physical distancing that should happen, and how do we really ensure that the children really be cautious about the whatever protection measures they have to take. All these things will be possible. Third, that I want to, many people have asked the question, oh, there will be a huge learning, you know, we will be missing during the last so many days. How do you make up for the learning? How do you make up for the year? I think these are all, I don't know whether we need to really bother so much about this, some great gap that has happened if we don't for 4 or 5 months, if we don't. After all, in summer months, nobody goes. Consider that summer months is extended by 2-3 months. Why are we in such a frenzy? Somehow or the other you make up. Somehow you give a certificate. Somehow you make them go in this fashion. Is this learning? I don't think that we are making up learning through this method. I'm not against technology. Technology is important. Why I am saying this is that right now,
we are using technology as a stopgap measure. Right now, as Anita pointed out, we are taking away some of the rights of the children and the people, saying that it is emergency. But I am afraid if we don't engage properly, post-emergency, they will become the new normal. That's what I am afraid of. I think we should ensure that this kind of learning, this kind of emergency measures don't become the new normal after the emergency is over in 6 to 8 months. I want to really look optimistically about a future, not really all the time worried about what is happening now. Yeah, it will pass off. It will pass off. This COVID is not going to be there for a lifetime and destroying the whole of it. It will take 6 months, 8 months, not more than that. Then I think we will be getting back. Let us really think about what is it that we want to do afterwards. Not really. Last point I want to make for many people who are asking about solution is that we should be ready to engage with children in a different mode than simply herding them all together into a school and then say, now this is the education for you. I think we need to really ready to be engaged in a different way. Maybe we need to revive new methods of non-formal education to go along with the schooling. Since you are talking about physical distancing and other things, many things that are likely to happen. I feel that that is the way ahead as we go. That's what I wanted to share. Thank you. Thank you, sir. Thank you for addressing the question. So there are a couple of questions on learning gaps which we have already addressed. There are a couple of questions on girls' education. Sushmita Mitra from Council for Social Development, she has raised the question, what are the suggestions for preventing dropout of girl children once the school reopens? And we also have a question about the digital divide and how girls have less access to technology as compared to boys. So if Professor Rampal or Dr. Annie Koshi could respond, please. Go ahead, Anita. Annie, go on. How do we sort of solve the problem of girls being left out? As I've said earlier, that this is sort of an interrelated issue. It's not connected with just technology. I think empowering our girls, empowering their parents to think of them as entities that have to be encouraged and to be participating in something that will not just raise them up, but also raise families up and change societal thinking. That itself is not in place. Because, as a whole, I think India thinks that if boys are educated, they will sort of contribute to this great society, which as we can see that the boys aren't doing a great job in India, at least. The boys' club needs to be sort of diluted with some female elements, and definitely the female elements that are, educated in a manner that is that is more quality education, because definitely we're not getting any quality out of the women that we do have as part of the boys club. So your question is how to get girls to participate. This can only come about when people themselves feel that they are important enough. If that doesn't happen, it's a moot question that I sit out here and say, let them have the first choice of the computer. It's not going to happen till somebody thinks that they are. So as professors pointed out, I think all solutions are local, all solutions are specific to context, and when you ask this kind of a questions, obviously it's not a question that perhaps would need to be addressed in a state like Kerala, for instance, where I think the women are a strong force in themselves. It would be needed to address stronger in places, in states where the girl child is not considered as important, and it would have to be addressed differently in both those places. So this question is best answered by you
yourself when you raise it, because you will actually put the context and in that you will find a solution. And that is my answer to how can we get the girl child to participate. Anita could perhaps contribute more. I agree. I think that some of the things that become very stark in situations like this should really, you know, actually move us to then plan next. How do we bring this up? Because people see it quite clearly now. So it becomes easier to then work on it in a focused manner. Earlier, it may be rhetorical and, you know, we may be thinking everyone is there and everyone is in school, everyone is learning, etc. But in any kind of emergency situation, even when there's no food or there's less food at home, you can see the way it impacts a girl or a woman or, you know, and things like that. So I think, or technology, for who, in whose hand is it, who is taking the decision. Just as I said, it becomes centralizing. Even within a family, even within a school, these issues can be raised. I think it's just being aware, more and more aware, and encourage that reflection, encourage that ability to see these things. I mean, it's true, there are many people sitting who are in lockdown, pretty happy. And in fact, like, there's been celebrity shaming because all they're doing is showing you their gym and they're showing you what they're cooking, you know, on social media. So someone had to speak up and say that, I think that celebrity is very good. We've seen a lot of your gym, but have you seen this? Or have you seen this? Or have you seen these migrants walk even when petals were being showered on them? So I think that ability to see and the ability to reflect sort of does get heightened when you go through a very difficult situation. And everyone is. So I think to actually evoke this, to invoke these situations and then bring it and see how is our classroom or our play school or our worksheets or whatever we're working on, how do they deal with these issues? I think similarly with assessments. We know what centralized assessments mean, but right now we have not probably thought so much about it, because even within a school, we are very happy when we get some printed exam made by someone else. You know, thodi mehnat hume karni padi. Haan, standardization ho gaya. Sabko ek pata chal gaya ki tumhara tum kahan ho. But I think issues about local engagement, local learning, and what it means. It is challenging, but how it can be much more deeper learning when we assess it, and it's more authentic when we assess it from a local perspective and by doing things, by taking tasks, not just putting a tick on something. I think that kind of engagement does get heightened when we are in a situation. Often many issues become heightened when we go through a situation. I mean, a crisis situation. So there is a very relevant question which has come in from Odisha. It is addressed to Professor Rampal and Professor Govinda. It talks about school closures in Odisha and how the civil society was building up a campaign to oppose the school closure move. But now, Samit, he's writing that the state will defend the move, saying that it has limited resources due to the weak economy. So what are the strategies to build a campaign against this measure of school closure? Professor Rampal and Professor Kotaka. Yeah, I think as constantly I was saying, I think many of these things will need to be thought out locally or together in terms of our strategies. Certainly school closures was happening. The policy was also pushing for it. And now when the economy is weak, or when, you know, suddenly you can say that you don't have money for this, this will get pushed. Just like centralized teaching or technology teaching will happen. I think our own understanding for this and challenging the data, challenging the issues and saying this cannot happen. I mean, for RT Forum, it's a big task because RT itself is completely under the scanner. It's completely getting washed out. So how, whether it's school closure or whether it's, you know, getting all children there together and getting enough teachers, I mean, all these things are going to be a challenge for us. And locally, I think questioning data like people are doing. I mean, you question where the state is spending and then you ask, is that
our priority or is this our priority? Or in the district level, more data which is decentralized, we don't have it. Our own district level teams don't have really authentic data as to what is happening, where are the children, which schools are there. So I think collecting that also becomes empowering, because then we can resist on that basis, working closely with some media which can at least support, and with parents and with communities. Professor, you're saying something. Yeah, I just wanted to add to what Anita said. The problem with in many of the state governments now, that it is not about action. Many of them are outsourcing policy making to private entities. Like if Boston Consulting is going to decide how to improve the quality, and you need to follow what the Boston Consulting says. And that is what is happening to many states. In fact, some of the states have entered into tripartite agreement with private consulting firms like Boston Consulting and Niti Aayog and state governments. Tripartite arrangements have been. So they are bound to really listen to the policy suggestions that are made and act on that. That is how schools are getting closed. You may not have much choice if that is what you are going. You are paying them to close your schools in a way. We are giving them money so that they close our schools. Very unfortunate. I want to add one more small thing to what was said earlier by Anita and Annie on this. About the girls' education and all. I feel that, if you look at history, when crisis situations come, particularly disasters, since this is being compared as a disaster, disasters happen, there is always a tendency in the society to become more narrow, more selfish, more discriminatory, more segregatory. This does happen. It's a very, very dangerous thing that happens. We have seen it happening in our own country, in Gujarat, in many other places where disaster struck. Post-disaster, you find that there is more segregation, more discrimination happens. And discrimination happens based on gender, because of poverty and many other reasons also, based on gender, class, caste, religion, all kinds of discrimination happens. So it's very important. How do we deal with this proactively? I think empowering the teachers, reorienting the teachers, because teachers are the only link between the children, the community, and what we want to do. And therefore, investing more in the teachers so that they really look at the life differently is very important. I last want to, one small point I want to add to Ambarish was pointing out earlier about the national policy on education being released. I'm a bit wary of an NPE coming out in the midst of an infectious condition. So that I have a worry that, NPE will also be infected if it comes out now. What is the great hurry? I don't understand why NPE should be released in the midst of this instead of looking at the emergency conditions that are there. Is NPE is the most important thing to happen? I am not really convinced at all. There must be some other agenda for which the NPE is being released, not because of any great concern that for 5 years, 10 years we did and we didn't do, and today we are suddenly doing in this. So I'm a bit worried about this NPE also. Thank you. I just want to add one thing that, we don't look at courage and citizenship as qualities that should be very much part of an education. When we say, should we raise our voice? How should we raise our voice? Do our children know how to raise their voice? Because to raise your voice, you have to be an informed citizen. So informed citizenship is a crucial part, I feel, of education. And while you have empowered teachers, good teachers, and we invest in them, we have to look that this is crucial. And I am, very particular that this kind of stuff is there in our school. And it's a very fine thing. Am I going to be one-sided? Am I more left? Am I more right? Anybody can be this way or that way in my concept of what is a citizenship. So, what I see it is when we say decision making based on information, based on values. Okay, so is the child able to take, does he know how to differentiate between misinformation and the correct information? Anita has brought out about scientists who work and all kinds of things that are constantly coming out and thrown at you.
okay, that you know somebody spat on a vegetable और अब हम वो vegetable नहीं खाएंगे क्योंकि ऐसे उसने उसके ऊपर थूका. अरे यार पहले वो सब्जी जो आप उगते हो वो तो पता नहीं कौन सा Monsanto का फर्टिलाइजर के अंदर से आ चुका है, फिर वो तुम्हारे टेबल पे आता है और वो सब्जी वाला पहले सुसू करने जाता है बाहर और उसी हाथ के साथ आपको वो सब्जी देता है और मींस जीएम मॉडिफाइड सब कुछ वाला चीज आप खाते हो और आपको थूकने वाले की बात करते हो. वेयर इज मिस इन्फॉर्मेशन इन दिस? Where are you being manipulated? Do you see it? How do our children understand this manipulation is a crucial, it's part of classroom methodology. If methodology is going to be this transaction that I say something and you listen and you take it as, you know, the gospel truth, obviously that's not good education. Good education is when he can understand, he can find out what is it that has actually clean the Ganga, if it has cleaned the Ganga, when all the many, many, many crows that went in did not clean it. Today, if it cleaned, I mean, why did Punjab, have they shifted from rice to another crop? Is it because, you know, the water canals dried up or is it because of migratory issues? So, I mean, what is it that will make you an informed citizen and do you have the courage to speak about what you are? You know, do I just listen? So, I mean, if I see something is going wrong, do I speak? Do I do something about it? Is a question that is part of our teaching. As educators, we should see that as the quality education rather than worry about 3 mahine chale gaye. 3 mahine chale gaye, par hamare bachche abhi bhi ghar mein baithe hue chocolate aur chips khate khate mote ban rahe hain. और किसी के बारे में सोचने, अभी आपने सुना कि कुछ बच्चे नेट पे ही लड़कियों का बलात्कार के ऊपर बात चर्चा चल रही है, तो हमारे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं जो यू नो आर दे गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर्स, आर दे गोइंग टू बी द पार्लियामेंटेरियंस, वी डोंट नो. व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दैट इज आई थिंक द पॉइंट दैट आई वुड रेज इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ डू वी raise our voices against something. So to teach our children to raise their voices is very important. I can just add to this. In fact, I was referring to a piece I wrote in The Wire aur maine RTE ke WhatsApp group mein bheja tha. Wahan Kerala mein ek program hua kuch saal pehle jo keval kuch schoolon mein hai, ek district mein, Kannur mein. क्योंकि निपा वायरस जब आया था तो उन्होंने देखा, और उससे पहले जो वैक्सीनेशन का डर, तो बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया पेरेंट्स ने, तो उन्होंने एक सत्यमेव जयते का नाम का एक प्रोग्राम स्कूलों में 150 स्कूलों में शुरू किया था जस्ट टू डील विद दिस. कैन दे अंडरस्टैंड? कैन दे क्रिटिकली लुक एट समथिंग? उनको कुछ दिया जाए तो बता सकते कि ये सच है या झूठ है और ये फेक है या ट्रू है, और ट्रू के लिए क्या सोर्सेज ढूंढेंगे. तो एंड प्लस आई ऑल्सो रेफर टू अ प्रोग्राम इन फिनलैंड विच इज मच लार्जर एंड विच इज रियली इंटरेस्टिंग, अगेन मीडिया लिटरेसी को लेके, बट फेक को कैसे समझना है, विच इज पार्ट ऑफ देयर स्कूल्स. एंड आई हैड टॉक्ड टू सम टीचर हु टोल्ड मी हाउ शी इज रनिंग इट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसको हम अपने अपने फोरम्स, जहां जहां भी हम काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, जहां भी कर रहे हैं, वी विल हैव टू डू दैट. बट ऑल्सो लाइक द क्वेश्चन अबाउट उड़ीसा, आई मीन आई हैपन टू बी ऑन सम थिंक टैंक देयर, एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू गो फॉर दिस मीटिंग आई रियलाइज दैट देयर सेक्रेटरी, एवरी टाइम हु मे बी अ न्यू सेक्रेटरी, सेज दैट यू नो इट्स नॉट द एजुकेशन मिनिस्ट्री बट इट्स दिस ग्रुप, मे बी द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप विच इज सेंट बाय द नीति आयोग अंडर इट्स प्रोग्राम, जो हर 15 दिन में आके हमसे पूछते हैं कितने स्कूल्स बंद किए. So the secretary doesn't seem to know. Last time when I went there, I just took the opportunity, took out some time and went and met the senior most person in education, because he was a new person, had some good, was very keen ke technology nahi use karna hai, but on the other hand school closure mein he was not very sure, band kar dena chahiye, kitne band karne chahiye. I think at the local level, at the state level, we need to be talking a lot, this dialogue and this critical dialogue with policymakers at whatever level they are, chahe wo panchayat mein hai, chahe wo state level pe hai, district level pe, because wo log bhi nahi samajhte kai issues, and hum apni samajh banaye
और सोर्सेज लें, लोगों से शेयर करें और फिर हम जाके जब मौका मिले, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वो दो घंटे की मेरी चर्चा का कुछ असर हुआ होगा, नहीं कि भाई हाँ, बट देर वर सम क्वेश्चंस व्हिच आई लेफ्ट विद हिम होपफुली व्हिच ही विल थिंक अबाउट एंड एट लीस्ट आर्टिकुलेट दिस. सो आई थिंक हमारा है वो अलग अलग स्तर पे उठेगी और बिना सोचे कि उसका क्या असर होने वाला है. जहां हम सामूहिक रूप से करते हैं वो अलग है, जहां हम एक छोटी कम्युनिटी में करते हैं वो भी अलग है, बट वी मस्ट कंटिन्यू टू कीप दिस गोइंग विद टीचर्स, चिल्ड्रन, पॉलिसी मेकर्स, स्कूल एडमिन, पेरेंट्स, वेयर एवर पॉसिबल, एंड चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, एडोलेसेंस. हेलो सुजिता, हेलो श्रीजिता. यस सर. सो आई थिंक वी आर नियरली रीचिंग 1.5 hours ऑफ दिस वेबिनार. सो आई थिंक आई फॉर लाइक थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. आई हैव पोस्टेड द लिंक टू आवर फेसबुक पेज रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज लाइक द पेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर वेबिनार्स. And I will just ask Abhinesh ji to thank the panelists. Yeah. Okay. Thank you for participation. People from different part of the country have participated and asked their questions. Thank you, panelists, Professor Govinda, Annie Koshi, and Anita Rampal. We have just drafting a memorandum address to the Prime Minister. And including all these concerns to that memorandum, and we are just seeking signatures, endorsement from different people, eminent people from different walk of life, and we are collecting their endorsement. So we will send the memorandum to Prime Minister, number one. And number two, as a network, we are just starting dialogue with the government. Friday, most probably, I hope that we will start dialogue with the chairperson of the NCPCR on the different issues the children are facing. How, because NCPCR is given responsibility to monitor about the RTE, about the universal right of children, to protect the universal right of children and protection, the food and everything, shelter and everything. So we will start the dialogue with the NCPCR and then other agencies, other government agency, we will start the dialogue. And just we, RT, we will protect this, our right for which we fought and we are engaged for the implementation of the universal right, right to education. So thank you again. Aap sabko bahut bahut dhanyawad. Aapne participate kiya. And next week, mein hum fir ek naye पैनलिस्ट पैनल्स के साथ मिलेंगे और नए इशू पर. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.